क्या हालचाल। आज हम आ चुके हैं क्लास 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर लेके, जो है डिस्क्राइबिंग मोशन। सो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि ये दोनों मूव कर रहे हैं, ये दोनों मोशन में है। यहाँ पर एक लड़का है जो बाइसाइकिल चला रहा है, और एक यहाँ पर एक लड़का है जो चल के कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो पहले हमको समझना होगा मोशन क्या होता है। तो सीधी सीधी बात, इन फिजिक्स मोशन इज अ फेनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मेन बात है, जो मेन फंडा है वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन बदलेगा। समझ में आई ना इतना बात? देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट ही है और ये है बी पॉइंट अपना। तो मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो मान लो कुछ टाइम के बाद वो इस पोजीशन पे आ गया। इस पोजीशन को हम नाम देते हैं सी। तो कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया इस पोजीशन पे, तो क्या हुआ? बेसिकली कुछ हुआ नहीं, वो मूव किया, वो उस टाइम के अंदर उसने इतना पर्टिकुलर रास्ता कवर किया। तो इतना पर्टिकुलर टाइम में वो मूव कर रहा था, वो 3 सेकंड मूव किया तब जाके वो यहाँ पर आया। अगर हम कह सकते हैं तो कहने दो, अगर हमें कहना है तो हम कह सकते हैं कि अगर वो 3 सेकंड भागा तो जाके ये वो इतना पोजीशन आया, फिर अगर वो फिर से 2 सेकंड भागेगा तो बी पे चला जाएगा। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ उसने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया, तो वो मोशन में था तब। सिमिलरली यहाँ पर लिखा है, मोशन इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। मतलब इस चैप्टर में हम मैथमेटिकल टर्म्स ऑफ मोशन को समझेंगे, मतलब मैथमेटिकली मोशन को हम समझाएंगे। और ये सब जो यहाँ पर लिखा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम, इनको हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, यही इस चैप्टर का मेन जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, यही 5-6 टॉपिक्स हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू इट्स कॉज इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मूवमेंट को हम फिजिक्स में काइनेमेटिक्स कहते हैं, लेकिन हम उसके कॉज को नहीं पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ उसके मूवमेंट को ही जानेंगे, उसका मूवमेंट हुआ तो मूवमेंट होने के बाद क्या क्या कंक्लूजन आ सकते हैं, लेकिन मूवमेंट होने के पीछे क्या क्या है कि उस पर कितना फोर्स लगा तब जाके वो मूव हुआ, कितना एनर्जी उसमें उसने खाया तब जाके वो मूव हुआ, हमें जरूरत नहीं पड़ने, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ेंगे मोशन, उससे कंक्लूजन बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में, हम क्लासिफाई कर लेते हैं मोशन में। तो पहला है यूनिफॉर्म मोशन। सीधा सीधा यहाँ लिखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम के साथ साथ, मतलब पहले 1 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किया, फिर और 1 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किया, मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर तो 2 सेकंड में 2 मीटर, तो अगर ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, उसे हम क्या कहेंगे? सीधी सीधी बात, यूनिफॉर्म मतलब स्टीडी। स्टीडी मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, कोई वेरिएशन नहीं है उसमें, जैसा है वैसा ही चल रहा है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट इसका उल्टा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज रेफर्ड एज नॉन यूनिफॉर्म। मतलब मान लो तुमने 1 सेकंड में पहले 3 मीटर कवर किया, फिर उसके बाद और 1 सेकंड में तुमने 10 मीटर कवर कर लिया। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम मान लो ए, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा डी है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, मतलब इन सबका डिस्टेंस बराबर है, मतलब लेंथ बराबर है। तो मान लो कि पहले तुमने इतना कवर किया 2 मीटर 1 सेकंड में, फिर उसके बाद ये 2 मीटर में तुमने कवर किया, फिर और 1 सेकंड में, फिर यहाँ पर और 2 मीटर तुमने कवर किया 1 सेकंड में, तो यहाँ पर टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली तुम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन वाला केस। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाए, तुम किसी पाथ में भाग रहे हो, तुमने पहले 1 सेकंड में कवर किया 3 मीटर, समझना मेरी बात को ध्यान से, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, मान लो सबका वेरिएबल डिस्टेंस है, सब अलग अलग है, ये 4 ये 5, तुमने ये 3 मीटर कवर किया 1 सेकंड में, फिर और 1 सेकंड में तुमने कवर किया 4 मीटर, फिर और 1 सेकंड में तुमने कवर किया
5 मीटर। तो यहाँ पर क्या यूनिफॉर्मली तुम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो? यूनिफॉर्मली नहीं कर रहे हो। टाइम तो यूनिफॉर्म है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट यूनिफॉर्म इन दिस केस। सो ये डायरेक्ट बात है, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट कीपिंग पेस विद द टाइम टेकन। टाइम तो सही एक 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 तो एक ही है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल अलग है, तो वो बेसिकली होगा नहीं यहाँ पर, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है चलो। अच्छा अभी डिस्टेंस जो मैं इतना बोल रहा था, डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस बेसिकली है क्या, यही यहाँ पर जानेंगे हम लोग। देखो जो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझना ध्यान से, अगर मैं मान लेता हूँ ये मेरा पाथ है, ये मान लो कोई एक पाथ है ए पॉइंट, हाँ, और ये मान लो बी पॉइंट है, तो मुझे ए से बी में जाना है तो मैं जाऊंगा, चल रहा हूँ, चल चल के मैं गया, मैं बी पे पहुंचा कुछ टाइम के बाद, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, मैंने कितना लेंथ कवर किया, पाथ का जितना लेंथ होगा उतना ही होगा मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब सीधी बात, अगर तुम लिख लो पाथ लेंथ ऑफ पाथ, सॉरी लेंथ ऑफ पाथ अगर तुम लिख लो, लेंथ ऑफ पाथ अगर लिख लो, ये आ जाएगा बराबर किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर आ जाएगा। डिस्टेंस में जितना ट्रेवल किया लेंथ का, पाथ का लेंथ भी उतना ही होगा। ठीक है बस यही बात थी। लेकिन अभी थोड़े डीप में हम इसको समझें, यहाँ पर लिखा है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। लाइक बॉडी जब मोशन में होता है तो वो एक पोजीशन से जाने के लिए दूसरे पोजीशन तक कितना लेंथ ऑफ पाथ कवर करेगा उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मीटर, इसको हम लिखते हैं ऐसे मीटर, स्मॉल स्मॉल एम कैपिटल एम, स्मॉल एम से हम इसको डिनोट करते हैं मीटर को। ठीक है अच्छा, डिस्टेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट इज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। अभी स्केलर क्वांटिटी आ गया तो उसको थोड़ा समझना होगा, स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है देखो, द फिजिकल क्वांटिटीज विथ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज क्वांटिटीज। ठीक है अभी देखो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, डिस्टेंस तो यहां मैंने बोला ही है एक है, फिर टाइम, फिर मास, एक्सेट्रा बहुत सारे। डिस्टेंस तो मैंने, अच्छा मैं डिस्टेंस को आपको बाद में बोलता हूँ। टाइम आप कहते हो क्या 5 मिनट टुवर्ड्स नॉर्थ, आप ऐसे कह सकते हो 5 मिनट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा तो कह नहीं सकते ना, तो डायरेक्शन नहीं होगा टाइम का। अगर डायरेक्शन होता तो कैसे होगा, तुम घड़ी में देख के बोलते हो हाँ अभी 2:05 नॉर्थ, ऐसा तो तुम कहते नहीं, तुम कहते हो 2:05। ठीक है तुम उसमें सिर्फ एक वैल्यू बता रहे हो, तुम कुछ डायरेक्शन मेंशन करते हो नहीं करते हो ना, वही है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है टाइम के पास। ठीक है चलो, मास तुम कहते हो क्या, माई द वेट ऑफ माई बॉडी इज 5 kg टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब kg तो वेट का यूनिट होता नहीं लेकिन मैं कह सकता हूँ द मास ऑफ माई बॉडी इज 5 kg टूवर्ड्स नॉर्थ, तुम कह सकते हो कि मेरा बॉडी का जितना वजन है वो नॉर्थ की तरफ जाऊंगा तभी 5 kg है, लेकिन अगर वीस्ट की तरफ चला गया 10 kg होगा, ऐसा तो नहीं होता। तुम्हारा बॉडी यहाँ जितना, तुम्हारा बॉडी का मास यहाँ जितना होगा, तुम अगर एंटार्क्टिका में जाओगे तो भी उतना ही होगा मास, मास तो चेंज नहीं होगा लेकिन वेट ही चेंज हो सकता है, वो अलग है, वो ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे हम, बट मास कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि बॉडी में तुम्हारा कितना जो मतलब मैटर है वो क्या कम होगा, कम तो होगा नहीं। हाँ बस वही है डिस्टेंस, डिस्टेंस भी ऐसा ही है, लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द पाथ, तुम ऐसा कहते हो लेंथ ऑफ द पाथ टुवर्ड्स नॉर्थ, हाँ आई एम गोइंग 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, वो हो सकता है लेकिन वो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट में। आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना लेंथ ऑफ पाथ इज 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, आप ऐसा कह नहीं सकते, लेंथ इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, हेंस इट इज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगा नहीं इसके पास, बस यही बात है, ये समझ लिया आपने। ठीक है नेक्स्ट, इट इज ए पॉजिटिव नंबर एंड कैन नॉट बी नेगेटिव, इट डज नॉट ओबे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। चलो ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये मान लो तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, यहाँ पर एक पॉइंट है जीरो, तुम्हें जीरो, हाँ जीरो पॉइंट है,
तुम इस पॉइंट से भागते हो, तुम इस पॉइंट से इस तरह भागते हो। अच्छा नंबर लाइन पढ़ा होगा अपने छोटे क्लासों में। अच्छा ये जीरो है तो यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर दो आएगा, यहाँ पर तीन आएगा, ये कन्वेंशन है। ये किसी ने, मुझे नहीं पता क्यों है लेकिन है, किसी ने कहा है तो होगा, कन्वेंशन है, यहाँ पर कन्वेंशन है। अगर मैं जाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, मतलब द वैल्यू विल ऑलवेज इंक्रीज। बट अगर मैं इस तरफ जाऊंगा, मतलब इस पॉइंट के टुवर्ड्स अगर मैं राइट जाऊंगा, तो मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस तरफ जाता हूँ, मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलता है, देखो -1 -2 -3, ठीक है ना। तो समझो, हाँ तुम अगर यहाँ से यहाँ गए, फिर से तुम अगर यहाँ आ गए, तो तुम्हारा पाथ क्या है? पहले तुम यहाँ से आ गए, ये प्लस ये, है ना, ये यहाँ से यहाँ गए, ये फिर यहाँ से फिर यहाँ आए, तो ये तुमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? एक, तीन, और तीन, तीन और कितना यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, मतलब बेसिकली क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तुमने सात ट्रेवल किया, सात ट्रेवल किया। लेकिन तुम कहते हो क्या, मैं पहले, मतलब तुम काट तो नहीं सकते ना इस डिस्टेंस को। तुम अगर मान लो तुम इस नंबर लाइन पे खड़े हो, तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, हाँ फिर तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गए, तो तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पूरा ये वाला प्लस ये वाला, है ना, पहले तो यहाँ गए फिर पूरा टोटल कवर किया, तो तुमने डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल किया। तुम कह तो नहीं सकते ना कि मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब नेगेटिव में तुम्हारा डिस्टेंस आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तीन, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे सात, तो सात से तीन माइनस करोगे -7 +3, तो -4 आ रहा है तुम्हारा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव एज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब तुम अगर राइट से लेफ्ट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, डिस्टेंस तुम्हारा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और हमेशा वो मतलब बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी अलग हो जाता है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस डजंट ऑलवेज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये जो कन्वेंशन है, ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। मतलब अगर मैं एक पॉइंट है, उसको अगर मैं जीरो मानता हूँ, तो अगर उसके मैं राइट की टूवर्ड जाऊंगा तो मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और अगर मैं लेफ्ट की टूवर्ड जाऊंगा तो मुझे हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं, बस यही मैंने समझाना चाहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये भी समझ लिया अपन लोग, अभी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट समझने के बाद ही ये हम लोग समझेंगे। ओके देखो, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन अलॉन्ग विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट्स असाइनमेंट इज मीटर, इसका भी मीटर ही होता है असाइनमेंट। ये क्या है, शॉर्टेज, मतलब तुम्हारा इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के बीच में सबसे छोटा पाथ कौन सा है, वट एवर मे बी द डिस्टेंस। तुम मान लो तुम इस पॉइंट से इस पोजिशन तक ऐसे गए, तुम ऐसे इस पोजिशन तक, इस पोजिशन से इस पोजिशन तक गए, घूम के ऐसे ही गए, तुम्हारा डिस्टेंस मान लो, हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये है, लेकिन डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये वाला कर्व जो है ये तुम्हारा डिस्टेंस है, लेकिन ये जो है ना, ये ए बी, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मैंने लिखा है यहाँ, बस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एज इट इज मेनी चेंजेस डायरेक्शन। देखो ये तुम्हारा पोजीशन है, तुम ऐसे गए मान लो, ऐसे मान लो गए तुम इस पोजीशन पे, ये ए मान लो, ये तुम्हारा बी मान लो, इसमें तुम डायरेक्शन स्पेसिफाई करोगे नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस है तुम्हारा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तुम जब जाओगे, तुम कहोगे आई गो, आई जस्ट ट्रेवल्ड ए बी मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तुम तो नॉर्थ की तरफ जाओगे ना, मतलब बेसिकली ये है, मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें, या फिर उसको अगर मान के चलो, तुम इसको ऐसे ले लो, तुम इसको कह सकते आई जस्ट वॉक्ड, है ना, ए बी मीटर्स टूवर्ड्स द, क्या ये है, नहीं, ईस्ट, मैं ईस्ट की तरफ ए बी मीटर भागा, तब जाके मैं गया, तो वो तुम्हारा है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो डायरेक्शन मेंशन करेगा और उसके साथ साथ सबसे छोटा वाला पाथ ही बताया जाएगा। लेकिन एक स्पेसिफिक स्पेशल कंडीशन है, तुम मानो तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ तुम ए से लेके भाई साहब बी तक गए, हाँ भाग, अच्छा है, बड़ी बात है, बहुत सही बात है, तुम गए, तुमने मूव किया ए से लेके बी तक गए, फिर से बी से लेके ए तक आ गए, मतलब ए बी प्लस ए बी, तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 2 times of AB हुआ, हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है फाइनल पाथ और इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ के बीच का डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो तुम्हारा फाइनल पोजीशन भी ए है और इनिशियल पोजीशन भी ए था, तो क्या हुआ, ए और ए के बीच में डिस्टेंस, ए और ए के बीच में डिस्टेंस जीरो है।
अच्छा अभी आता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो तुम ऐसे लेके मानो बी तक गए तो तुमने प्लस ए भी कवर किया, फिर जब तुम घूम के तुमने माइनस ए भी कवर किया, इसलिए तो तुम्हारा ए बी प्लस माइनस ए बी बराबर तुम्हारा जीरो आया ना, इसीलिए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यही बात है, यही तो कुल मिला के बात है कि डिस्प्लेसमेंट कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को मानती है। मतलब अगर तुम एक पॉइंट से राइट तक जाओ, राइट जाओगे पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वहां से तुम लेफ्ट भागे नेगेटिव होगा। यही सेम केस इज हियर आल्सो। एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। इफ इट वॉज इन मोशन अर्लियर एंड केम बैक टू अ सर्टेन पोजिशन आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। सही बात, बहुत सही बात। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज के क्या हो गए? फंडामेंटल्स हो गए। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी है, उसके साथ साथ डायरेक्शन है। डायरेक्शन है इसीलिए जीरो हो सकता है। मतलब किसी चीज का अगर डायरेक्शन है तभी जाके वो जीरो होगा। अच्छा, इट मे बी एन इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। या नेगेटिव कैसे होगा? मान लो तुम इस पोजिशन तक चले गए, एक पोजिशन मान लो और एक सी, तो तुमने एक्स्ट्रा कवर कर लिया ना यहाँ पर, तो वो क्या है, वो तो तुम न्यूट्रल नहीं कर पाए ना, वो तुम तब चले गए तुम माइनस टाइम्स ऑफ बीसी चले गए, सॉरी तब तुम चले गए माइनस टाइम्स ऑफ बीसी, वेयर बीसी इज ग्रेटर देन एबी। तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? माइनस टाइम्स ऑफ एसी आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ तुम्हारा एसी आएगा। तो वो क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट होगा और वो नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है जी, चलो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को मानती है तभी तो भैया जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं होती ना। इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। खत्म, बात समझ लिया ना तुमने? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में भाग रही है तो वो देखो, अगर मैं मानूं कि मैं ऑब्जेक्ट ए से लेके मैं बी तक गया, उस ए से लेके मैं बी तक गया फिर घूम के नहीं आया, मेरा फाइनल भी फाइनल ए है, बी है और इनिशियल ए है, तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब बराबर है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन तक जाती है और लौट के नहीं आती, कुछ कितना भी डिस्टेंस लौट के नहीं आती, उसी पोजिशन को अपना फाइनल पोजिशन मान लेती है, तो डिस्टेंस बराबर हो जाती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। यही तो बात है, तभी क्या होता है डिस्टेंस बराबर टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो हमको इससे क्या मिलता है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। और या फिर क्या हो सकता है, समान भी हो सकता है ना, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में वो जाएगा और लौट के नहीं आएगा तो बराबर ही, डिस्टेंस बराबर टू या फिर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो ये कंक्लूजन मिल गया हमको, कंक्लूजन मिल गया, चलो हो गया हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ पर हाँ मैंने यहाँ पर लिखा था डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस। तो समझ में आ गई बात, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर कभी आंसर गलत आ जाए तो इसको याद रख लो, मिल जाएगा तुमको। चलो एक कुछ न्यूमेरिकल से तीन मैंने वो दिए हैं, देख लेते हैं क्या है। अच्छा, एक पार्टिकल है, कुछ भी एक पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वो तुम्हारा सर्कुलर पाथ कुछ इस प्रकार का है। मान लो एक पार्टिकल इस पोजीशन से शुरू किया, उसने ये पोजीशन से शुरू किया, और मान लो ये ए बी जो है ना वो डायमीटर है तुम्हारा, एज्यूम कर लो तुम्हारा डायमीटर है और ये सेंटर है तुम्हारा ओ, ठीक है। तो ए से वो मूव किया उसने कितना तीन राउंड उसने किया। ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट फिनिशेस थ्री राउंड। देखो इन वन राउंड, मतलब एक बार वो अगर घूम गया तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अगर वो एक बार में घूम गया वन राउंड, यहां से अगर फिर से यहां तक आ गया तो कितना एक बार डिस्टेंस? 2π, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक, इन थ्री राउंड, 3 × 2πr, मतलब 6πr आएगा मेरा आंसर। अभी 6 की जगह 6 रखो, पाई की जगह पाई, आर की जगह 5/2 कर दो, समझ रहा हो ना, 5 तुम्हारा है डायमीटर, तो रेडियस बराबर टू डायमीटर अपॉन टू, तो 3 से कैंसिल होगा तो भैया 15π आएगा तुम्हारा आंसर। तो पाई का वैल्यू कुछ भी पुट करो, 22/7 और 3.14 पुट करके तुम्हें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा। तो पाई में भी रख सकते हो, डिसोसिएट करके इसको आंसर भी ला सकते हो तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जॉगर है, एक जॉगिंग करने वाला आदमी है, जॉगर जॉग्स अलोंग वन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशन 150 × 120, मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है,
हाँ, एक रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा कहा गया है, ये मान लो ए, ये मान लो तुम्हारा बी, ये मान लो तुम्हारा सी और ये मान लो तुम्हारा डी। तो वो ए बी मतलब उसने क्या किया, एक बार लेंथ कवर किया, एक लेंथ कवर किया और एक ब्रेथ कवर किया, मतलब उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये है ए बी वाला पार्ट। मतलब अगर थोड़ा मैं हाईलाइट करूँ इसको, अगर मैं थोड़ा हाईलाइट करूँ, पहले ए ऐसा गया फिर ऐसा गया, मतलब उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इस प्रकार ही है। ठीक है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने उतना, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, मगर अगर लिखना चाहूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ डिस्टेंस, में लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर टू कितना, ए बी प्लस बी सी, मतलब टू इंटू नॉट टू इंटू सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है 150 और तुम्हारा ब्रेथ है 120, तो कितना आएगा 270 मीटर है तुम्हारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अच्छी बात है, डिस्टेंस तो हमको मिल गया, अभी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ड्राइंग में फिर से करता हूँ, ऐसा है कुछ। हाँ, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो ये मानो ये तो तुम्हारा हो गया डिस्टेंस, लेकिन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसको ज्वाइन करो, डायगोनल को ज्वाइन करो। डायगोनल को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन मिल जाएगा। तो एडी का वैल्यू क्या है 150 मान लो, और डीसी का वैल्यू 120। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, देखो इन हमको पता है रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी वट विल बी एडी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो वट यू आर गेटिंग, इन दोनों को मतलब बेसिकली एड करो, एडी का वैल्यू 150 का होल स्क्वायर प्लस डीसी का वैल्यू 120 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेसिकली ए सी का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ए सी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए सी का स्क्वायर आएगा, तो ए सी विल बी ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 225,000 प्लस 144,000, इसके अंदर रूट आएगा, तो ये आएगा एक वैल्यू, तो उसको नियरेस्ट कैलकुलेट करके मिल जाएगा तुमको। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन था बस। आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस, स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह जो बाकी है उन टॉपिक्स को हम करेंगे। सो थैंक यू।